सियासत समझते हैं। सारी दुनिया के आदमी एक ही माँ बाप की औलाद है, एक दूसरे के भाई हैं, चाहे वो ऊंचे तबके का ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, मुसलमान चाहे सैयद हो, चाहे कोई और हो, सब एक ही माँ बाप की औलाद है, दो माँ बाप की औलाद नहीं है। फिर इनमें तफरीक कैसी है? हमारा मजहब हमें सिखाता है कि गुर्बत और फक्र की बुनियाद के ऊपर, बिरादरी की बुनियाद के ऊपर कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। ऊंचा वो है जिसका अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक बेहतर है, वो ऊंचा होगा, चाहे वो किसी समाज का आदमी हो, चाहे किसी बिरादरी का आदमी हो। जो बात मैं कह रहा हूं मोहब्बत की, प्यार की, आप ये न समझे कि मैं कह रहा हूं, मैं आपको आपके मजहब की बात बता रहा हूं, कुरान की बात बता रहा हूं, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात बता रहा हूं। आप जहां रहें इसी नजरिए के साथ रहें। अगर आप ये करेंगे तो आप अपनी इस आबादी के अंदर अमन और सुकून को कायम रखेंगे। मेरे भाई, जिन लोगों का नुकसान हुआ, रेड़ी वाले, वो लोग जो रोजाना कमाते थे और रोजाना बच्चों को खिलाकर खत्म कर देते थे, हमने उस वक्त तकरीबन 200 आदमियों को, रेड़ी वालों को, हमने जमीयत उलमा के वर्कर्स से मेवात में कहा कि लिस्ट बनाए। उन्होंने जमीयत उलमा को 200 आदमियों की लिस्ट दी। हमने हर एक आदमी को, अगरचे रेड़ी तो 10,000 में बन जाती थी, लेकिन जमीयत उलमा ने 200 आदमियों को तकरीबन 40,00,000 रुपया तकसीम किया। फिर हमने कहा कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जिन लोगों के मकानात को तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा गया हम नहीं जानते। लोग कहते हैं कि वो गवर्नमेंट की जमीन थी, इसलिए उनको बगैर नोटिस दिए हुए उनके मकानात को बुलडोजर चला दिया गया या गिरा दिया गया। हमने ये सोचा कि हम इसकी लिस्ट बनाएं। इब्राहिम साहब, मौलाना शौकत साहब और जो जमीयत उलमा के सदर है मौलाना हारून साहब और इन दूसरे हजरात ने एक लिस्ट बनाई। हमने इस जमीन को खरीदा जमीयत उलमा ने, उसके अंदर हमने तकरीबन 20 आदमियों के मकानात 100-100 गज के अंदर बनाने के लिए निशान डलवाए। जमीयत उलमा आफत और मुसीबत और फसादात में जो भी काम करती है वो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए करती है। हम फसाद को खराब चीज समझते हैं। हमने इन दोनों के लिए 100-100 गज के प्लाट बनाए और हम वो प्लाट दे रहे हैं। हमारे बिरादरान वतन और भाई भी हैं, तीन हैं। हम उनको चाहते थे कि वो यहाँ आबाद हो, लेकिन चूंकि वो नफरत की लानत सियासत जो हिंदू मुस्लिम को पास पास रहने में डराती है, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त मुसलमानों के साथ रहते हुए डरते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम आपको पैसे देंगे, हम उनको भी 1,00,000 रुपया देंगे तीनों को, और हम उनसे कहेंगे कि आपका जहां जी चाहे आप इसमें अपने लिए 10-20-25-50 गज जमीन ले लें और लेकर के अपनी जिंदगी को गुजारें। जो मुसलमान हैं, हमने उनके लिए जिनसे जमीन ली है उन्होंने 200 गज जमीन दी है मकतब और मस्जिद के लिए, हम उनकी मस्जिद भी बनाएगी जब ये तुलमा अल्लाह चाहेगा, अगर वो लोग यहाँ आबाद हो जाएंगे। हम उन लोगों को इस मकान का
ये 100 वर्ष के प्राण में वो रहेगा, हम वो उसके सिपुर्द करेंगे और हम इसके अलावा 1,00,000 रुपया उसको मजीद देंगे। वो शुरुआत करेगा, वो चेक हमारे पास मौजूद है, जब वो काम की शुरुआत कर देगा हम उसका तोहफा उसके हाथ में रख देंगे। ये सब जब ये उलमा हिंद की तरफ से होगा। लेकिन हमारी बुनियाद काम की यही है कि आपस में हिंदू मुस्लिम मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ रहें। नफरत की सियासत ना आपको चैन और सुकून देगी, ना आपके पड़ोस में रहने वाले हिंदू को चैन और सुकून देगी। ये हमारी आपसे गुजारिश है और जमीयत उलमा हमेशा यही करती है। वो लोग जो मुसीबतों में गिरफ्तार हैं, रोजाना मुस्लिम और कहीं कहीं किसी गैर मुस्लिम जवान को पकड़कर और दहशतगर्दी के इल्जाम में उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है, फिर अपरस्ता है। जमीयत उलमा हिंद उनके केस को भी लड़ती है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। हम पढ़ने वाले बच्चों को जो आला तालीम पढ़ते हैं, हम उनको वजीफा देते हैं, तकरीबन हर साल 2 करोड़ रुपया देते हैं हम उनको। उसके अंदर मुसलमान बच्चे भी हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, हम उनको भी देते हैं। मुसीबतें आ जाती हैं, सैलाब आ जाता है, हम जो उसके लिए खाने पीने के सामान को लगाते हैं, खिलाते हैं, एक एक कैंप में 2700 आदमी, सुबह को 2700, शाम को 2700 बंगाल के अंदर खाते थे, कोई कैद नहीं थी। कितने मुसलमान खा रहे हैं, कितने हिंदू खा रहे हैं, एक मुसीबत है। मुसीबत नाम और धर्म पूछ कर नहीं आती, आई मुसीबत, जो मुसीबत का शिकार है हम उसकी मदद करते हैं। हम आपके यहाँ इसीलिए आए हैं और हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम आपको ये पैगाम देकर जाएं, प्यार का मोहब्बत का पैगाम देकर जाएं। मजहब की बुनियाद पर नफरत हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आपको मोहब्बत उनसे भी थी जो मुसलमान थे, आपको मोहब्बत उनसे भी थी जो मुसलमान नहीं थे, यहूदी थे, मुशरिक थे, बुतों की पूजा करते थे। आपको सबसे मोहब्बत है, जो हदीस को पढ़ते पढ़ाते हैं वो जानते हैं कि आपका ताल्लुक और मोहब्बत सबसे था। हम अगर आपके मानने वाले हैं, आपके जूतों को अपने सर पर रखने वाले हैं, तो हमें भी अपनी जिंदगी उसी तरह प्यार और मोहब्बत की गुजारनी चाहिए, बनानी चाहिए जिस तरह आपकी अपनी जिंदगी थी। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। मैं ये बात कहने आया हूँ और उन मुसलमानों को जो मुसीबत का शिकार हुए हैं, जो हमारी लिस्ट थी, हम उन लोगों को आवाज लगाकर उनको दे देंगे। और पैसा यहाँ आ चुका है, हम वो भी चेक लेकर के आए हैं, हम वो भी देंगे, मगर वो यहाँ कुछ ईंटें जलवा दें, काम करना शुरू कर दें। ये इब्राहिम साहब और जो यहाँ की जिम्मेदार हैं जमीयत उलमा के, वो उनको बुलाएंगे और वो चेक उनके हाथ के अंदर दे देंगे। मैं यही कहने आया था, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इस शहर के अंदर, आपके इस कस्बे के अंदर, आपके इस सूबे के अंदर, मेवातियों के अंदर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, अल्लाह सबके दिलों के अंदर प्यार और मोहब्बत को पैदा फरमाए, अमन और अमान को कायम फरमाए और दुनिया की जिंदगी को सबकी आबाद फरमाए और अल्लाह ताला हम सबके ऊपर रहम फरमाए। वा आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।